राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के अनशन की। हम आपको बताएंगे कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी राजस्थान जैसा संकट खड़ा हो रहा है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर क्या कहकर ताजा हमला किया है, ये सब कुछ इस बुलेटिन में शामिल होगा। लेकिन शुरुआत राजस्थान कांग्रेस के बवाल के साथ करेंगे। आज थोड़ी देर बाद सचिन पायलट अनशन पर बैठने वाले हैं। एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। राजस्थान कांग्रेस में रण का एक और दिन आ गया है। थोड़ी देर बाद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक में अनशन पर बैठेंगे। पायलट का आरोप है कि सीएम अशोक गहलोत पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के करप्शन के मामलों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं, जिससे गहलोत और वसुंधरा में मिली भगत की बातें उड़ रही है। इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे, और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल, हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूं। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। सचिन पायलट अनशन पर बैठ रहे हैं और कांग्रेस में टेंशन है। राजस्थान चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में कांग्रेस को फिक्र है कि सचिन पायलट के अनशन से जनता में क्या संदेश जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बयान जारी कर कहा है, पिछले 5 महीने से राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी हूं, लेकिन सचिन पायलट ने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया। अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन सरासर पार्टी विरोधी गतिविधि है। उन्हें जनता के बीच जाने की जगह पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। हमारे महासचिव प्रभारी सबसे चर्चा कर रहे हैं, सबके संपर्क में निरंतर रहते हैं, तो जवाब वो देंगे इन मुद्दों पर। आपस में हमारी कोई ऐसी बात है तो हमें पार्टी के साथ हमारे दिल्ली में बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। आज जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता हमसे खुश है, और यदि हमें कुछ करना है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार राजस्थान के लोगों के जो हमने वादे किए थे उन वादों पर खरी उतरी है। देश के कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले सचिन पायलट के इस अनशन के पीछे क्या एजेंडा है? सियासी जानकारों के मुताबिक अनशन का मकसद चुनाव से ठीक पहले पार्टी के भीतर शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। चूंकि पिछले साल सितंबर में गहलोत भारी पड़े थे, इसलिए पायलट के सामने अहमियत दिखाने की चुनौती है। अपनी ताकत दिखाकर वो आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभा सकेंगे, क्योंकि फिर से सरकार बनने की सूरत में सीएम की दावेदारी संख्या बल से ही तय होगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इसका बहुत बुरा असर होगा। जो हालात हैं उन हालात में हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। साफ है, पायलट की बगावत कांग्रेस के टेंशन को बढ़ा रही है, लेकिन क्या इस बगावत को खत्म करने के लिए कांग्रेस के पास कोई ठोस उपाय है? जयपुर से देव अंकुर के साथ शरद कुमार, आज तक। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए ये कोई नई बात नहीं कि सचिन पायलट गहलोत से नाराज है, पहले भी इस तरह की बातें उठती रही हैं। घर में मामला शांत करने की बात से अब ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जाहिर तौर पर अब जब अनशन होगा, कांग्रेस को राजस्थान में जो चुनाव होना है उसका इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये बात अब अंदर के नेता भी कह रहे हैं कि ऐसे अनशन करना ठीक नहीं था। लेकिन और चारा भी क्या बचा था सचिन पायलट के पास? देखिए, सचिन पायलट ने एक ऐसा हथियार चुना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस पर कांग्रेस कुछ बोल भी नहीं पा रही है, नवगल पा रही है, निगल पा रही है। कल रात को एक बयान जारी हुआ है जिसे पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया गया है। मगर यह नजारा दिखाना चाहूंगा, एक बार देखिए किस तरह से यहाँ बैनर पोस्टर लगा है, वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन। यानी कहीं से इसे कोशिश की है सचिन पायलट ने कि इसे एंटी पार्टी नहीं देखा जाए।
और इसे कांग्रेस के विरुद्ध न देखा जाए बल्कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध देखा जाए। अब इतने जब अनशन की घोषणा हो गई, तैयारी हो गई, तो रात को 11:30 बजे जिस तरह से जारी किया गया है वक्तव्य, मुझे लग रहा है कांग्रेस की यही समस्या है नेहा कि वक्त रहते उस समस्याओं को सुलझा नहीं पाती है, बहुत देरी कर देती है। कम्युनिकेशन अगर सचिन पायलट से रहता तो मुझे लगता नहीं है कि स्थिति आती। कहीं ना कहीं संवादहीनता हुई है कांग्रेस के बड़े नेताओं में, सचिन पायलट में जो स्थिति आई है, और सचिन पायलट ने जानबूझकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कमजोर नब्ज को पकड़ा है, क्योंकि किसी से बात कर लीजिए तो वे कहने के लिए तैयार नहीं होंगे कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। आप सचिन पायलट के इस जो मुहिम है उसे पार्टी कह रही है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है? ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है, एक हिंसा हिंसा के माध्यम से, अहिंसा के द्वारा कोई कदम उठाया जाता है तो वो अनशन ही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज उठा सकते हो। ये भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि अब ये अनशन का मंच बनकर तैयार हो गया है। अंदरूनी लड़ाई ये कांग्रेस की है, पायलट और गहलोत के बीच सिर्फ टवल की नौबत तक आ गई है। कांग्रेस बैकफुट पर है और बीजेपी इस मौके का फायदा उठा रही। राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व अशोक गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का परिस्थितियां बनी हैं वो ये दो खेमों में बंटने के कारण बनी है, और ये खेमा ठीक हो नहीं रहा इनसे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए यही परिस्थितियां बनी इनकी। हमने जनता से क्या वादा किया था? ओपीएस को अक्षरश लागू करेंगे। आज देश में फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान राज्य बनकर उभरा है। हमने क्या वादा किया था कि 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हर राजस्थान के घर में मुहैया कराएंगे, 1 अप्रैल से वो भी लागू हो गया। हमने क्या वादा किया था कि नरेगा की जगह अर्बन नरेगा शहरों में, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, अर्बन नरेगा राजस्थान में लागू करके बता दी। बीच इस विवाद में ओवैसी भी कूद पड़े हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ सचिन पायलट पर भी निशाना साधा। इसकी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा कर। और हमारे साथ खास मेहमान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। टीएस सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। कुछ स्थिति जैसी सचिन पायलट की है वैसी आपकी भी छत्तीसगढ़ में है, क्या आप सचिन पायलट से रिलेट कर पा रहे हैं? जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक है? ठीक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एम्पथाइज जरूर कर सकता हूं। और अगर पार्टी जनरल सेक्रेटरी का कोई सर्कुलर निकला है, लेटर निकला है, तो अब उसका पालन होना चाहिए। हेलो, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। हेलो जी। जी हाँ, अपनी बात रखिए। जी मैंने वही कहा कि मैं एम्पथाइज कर सकता हूँ उनके साथ, लेकिन पार्टी जनरल सेक्रेटरी का सर्कुलर निकला है तो अब उसका अनुपालन होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। लेकिन ढाई ढाई साल वाला फॉर्मूला तो आपके साथ भी सेट हुआ था ना, फिर आपको कुर्सी क्यों नहीं मिल पाई? बघेल साहब क्यों नहीं कुर्सी छोड़ रहे? यही बात तो सचिन पायलट भी कर रहे हैं वहां पर, यही फॉर्मूला वहां पर वो चाहते हैं। हाई कमांड के ऊपर है, और हम लोग जब पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के दायरे में हैं तो पार्टी का अनुशासन भी हमको पालन करना होगा, और मैं अनुशासन पालन करने का अपनी ओर से प्रयास करता हूँ। कहीं ना कहीं देर नहीं कर देती है सर कांग्रेस किसी भी एक्शन को लेने में? राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, इस तरह की सिर्फ उटवल की अगर नौबत सीएम और एक बड़े पार्टी नेता के बीच में आती है तो जाहिर तौर पर जनता को तो अच्छा संदेश नहीं जा रहा है जी। इसमें पार्टी हाई कमांड लेवल पे ये सब बातें रहती हैं,
और अपने विवेक से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, जो बेहतर सबसे विकल्प होता है, उसी पे चल के वो हल निकालने का प्रयास करते हैं। क्या आपने पार्टी हाईकमान से अपनी स्थिति के बारे में बात करी, तब क्या रिस्पॉन्स मिला? मैं हमेशा चर्चा करता ही रहता हूँ, अपनी बात रखता हूँ और शेष फिर पार्टी हाईकमान के ऊपर है, जो वो निर्णय लें। वो पार्टी में जहाँ हम जब है तो उसका पालन करना ये हमारी जवाबदारी। आपके हिसाब से राजस्थान में इस वक्त क्या सोल्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से सचिन पायलट मान जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आपके घर की बात जो है जो अब काफी हद तक सार्वजनिक हो चुकी है उसे समेट लिया जाएगा? ताली एक हाथ से नहीं बच सकती, जब आप एक टीम के हिस्से हैं, ये कोई एकल प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक टीम है और टीम में सबको मिलके और बेहतरी के लिए, टीम के बेहतरी के लिए, टीम के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक तरफ से कुछ नहीं हो सकता, सबको मिलके ये सुनिश्चित करना होगा कि एक दूसरे का ख्याल भी रखा जाए, एक दूसरे का सम्मान भी हो और मिलके काम किया जा सके। तो छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी नाराजगी बरकरार है या फिर आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए हैं और उसका मन मुताबिक आपको जवाब नहीं मिला? मैं नाराज कभी नहीं रहा, चर्चाएं थी मीडिया में, खास करके चर्चाएं थी, हाईकमांड से क्या बात होती है जब हाईकमांड ने उसको सार्वजनिक नहीं किया, तो मैं भी उस बारे में फिर आगे नहीं बोल पाता। शेष रही बातें, मैं काम कर रहा हूं और प्रयास करता हूं कि जो जवाबदारी मैंने ली है, जो मुझे मिली है जवाबदारी, उसमें अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। तो आपका तालमेल है सीएम साहब से, बघेल साहब से आपकी ठीक बनती है? हाँ, काम चल रहा है, हम लोग बात करते हैं, काम चलाने और ठीक से बातचीत करने और तालमेल में काम करने में बहुत फर्क होता है। काम चल रहा है, विभाग अच्छा काम कर रहा है। सर, जनता अक्सर ये सोचती है कि अगर किसी के ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है, यहाँ आपके राज्य में बघेल जी पर, राजस्थान में गहलोत जी पर, उसके लिए क्या सोच रहती है पार्टी, क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता होगा कि सचिन पायलट या फिर आप ज्यादा अच्छी तरीके से ये जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं या फिर आप ज्यादा काबिल हैं। इसमें चॉइस करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, माँ बाप के लिए अपने बच्चों में चूज करके किसी को एक जवाबदारी देना कठिन होता है, तो स्वाभाविक है कि जो घर के बड़े होते हैं, पार्टी के जो सीनियर्स हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, क्षमताएं भी देखते हैं और काम जो चल रहा है वो अंततः 5 साल में जो चुनाव आते हैं उसमें क्या परिणाम आएंगे, जो बेहतर से बेहतर परिणाम डिलीवर हो सके, इन सब बातों को ध्यान में लेके निर्णय लेते हैं। तो आप अपने आप को सीएम की कुर्सी तक देख पा रहे हैं या फिर नहीं? आंख बंद आदमी कब कैसे करके चलेगा, संभावनाएं रहती हैं, लेकिन वो संभावनाएं के ही क्षेत्र में है, शेष हाईकमांड के निर्णय पे हम लोग निर्भर रहते हैं। आपके पक्ष में कितने लोग बोलते हैं सर, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम पार्टी के शीर्ष नेताओं को सुनते हैं कि सब कुछ ठीक है, तालमेल सामंजस्य सब बिठा लिया जाएगा, ये तो गोल बोल करने वाली बातें हैं, लेकिन आपके साथ कितने लोग हैं छत्तीसगढ़ में? ये तो कहना बहुत मुश्किल होता है और नंबर्स गेम नहीं रहता है, ये गेम ऑफ परसेप्शन है, गेम ऑफ कैपेबिलिटीज है, गेम ऑफ एडजस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं, ये कोई सीधा नंबर्स का गेम नहीं रहता कि कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, उसी के हिसाब से निर्णय हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। आपकी पायलट जी से बात हुई है, आपने समझाया उन्हें? जी, आपकी सचिन पायलट से बात हुई है? जी, सचिन से बीच बीच में बात होती है, आज तो नहीं बात हुई, आजकल तो बात नहीं हुई, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टेंस है इशू, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा उनसे बात करने का। सर, जब पार्टी में इस तरह की टेंशन हो जाती है, किसी भी राज्य की बात करें, क्योंकि चंद ही राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार बची है, और ऐसे में अगर राजस्थान के चुनाव सर पर हो और कोई पार्टी का इतना बड़ा लीडर वहां अनशन करने बैठ जाए, तो जाहिर तौर पर आपकी पार्टी के लिए किरकिरी का सबब है और इसका नुकसान भी आपको आने वाले इलेक्शन में उठाना पड़ सकता है। निश्चित रूप से एक चुनौती है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, और जब ऐसी स्थिति बनती है, घर के सदस्यों के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ इशू हो, तो घर के बड़ों को आगे आके उसका हल निकालना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए, आपका, आपके समय के लिए। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जुड़े हुए थे, लेकिन इस बीच रायपुर से मेरी सहयोगी सुमी राजप्पन भी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। सुमी, जिस तरीके से राजस्थान में स्थिति बनी हुई है,
छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही हालात हैं। अभी हमारी बात हो रही थी टीएस सिंहदेव ने, उन्होंने हालांकि ये कहने की कोशिश की कि वो ठीक हैं और सब कुछ ठीक ठाक है और पार्टी आलाकमान से उनकी बात होती रहती है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो पर आप क्या देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, वास्तविक स्थिति अभी भी यही बनी हुई है कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक कंफ्यूजन भी है, क्योंकि जितने भी टीएस सिंहदेव के खास कार्यकर्ता थे वो अभी भी नाराज चल रहे हैं। और ये जो ढाई ढाई साल फॉर्मूले को लेकर आज तक जो कंफ्यूजन बना हुआ है, हाईकमान की अभी भी इस पे कोई भी टिप्पणी और एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर आना चाहिए वो अभी भी नहीं आया है। आपने जिस इंटरव्यू की अभी बात कही और जो इंटरव्यू अभी हुआ है उसमें डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ नजर आती है, जो वो लगातार कह भी रहे हैं कि जिस हिसाब से मैं पार्टी से इतने लंबे सालों से जुड़ा हुआ था, मैं नाराज तो नहीं हूं लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि मुझे जिस मैनर में काम करने का मौका मिलना चाहिए था उस मैनर में काम करने का मौका नहीं मिला है। इनफैक्ट कल हमने भी जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनके साथ फोन पे किया था उस पर भी उन्होंने यही चीज जाहिर की थी कि जिस हिसाब से हमें काम करने का मौका मिलना चाहिए था सचिन पायलट को या छत्तीसगढ़ में मुझे यहां पर, वो मुझे नहीं मिला है। और यही नाराजगी साफ साफ वो बार बार अपने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स में बताते आए हैं कि सीएम बनने का उनको जो मौका नहीं मिला है उससे वो बहुत साफ तरीके से डिसअपॉइंटेड है। और जो उनकी रिलेशनशिप है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के साथ, वो बहुत क्लियरली उन्होंने जैसा कहा कि काम चलाने लायक है, बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे भी बनी हुई है। जैसे कि 8-9 महीने पहले उनके रेजिग्नेशन लेटर में साफ जाहिर हो गया था कि वो करप्शन के चलते पंचायत मिनिस्ट्री से वो रिजाइन कर रहे थे, बिल्कुल वही स्थिति आज सचिन पायलट की भी राजस्थान में बनी हुई है। और जैसा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्लियर कर दिया, एंटी पार्टी एक्टिविटी कहलाएंगे, तो इसलिए अब ये नाराजगी कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाली है सभी ठीक को। है सुमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच जिस तरीके की स्थिति राजस्थान में दिख रही है वैसे ही छत्तीसगढ़ में हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि इस चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं निकल सकेगा। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि अपनी सरकार के कामकाज पर उठते सवालों पर पीएम खामोश है, चीन के अतिक्रमण पर सरकार चुप है, वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में महंगाई और बेरोजगारी पर चुप रहती हैं। सोनिया ने आरोप लगाया कि सरकार ने बेहद व्यवस्थित तरीके से लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया। तो क्या कुछ आरोप सोनिया गांधी ने सरकार पर लगाए हैं वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी सरकार के कामों पर उठते सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों खामोश हैं? किसानों की आय दोगुनी करने में नाकाम करने पर आखिरकार पीएम क्यों चुप्पी साध लेते हैं? नफरत और हिंसा के मामलों पर भी पीएम ने चुप्पी साध रखी है, ये आरोप खुले तौर पर सोनिया गांधी ने अब लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। चीन के अतिक्रमण पर संसद में चर्चा को रोक रही है सरकार और चीन की बात पर वित्त मंत्री मौन साध लेती हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में महंगाई बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया, ये सोनिया गांधी का साफ तौर पर कहना था। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की तीनों खंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित तरीके से मोदी सरकार ध्वस्त कर रही है। और साथ ही संसद के पिछले सत्र में भी व्यवधान डालकर विपक्ष को अहम मुद्दों को उठाने से रोका गया, ये सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।